बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के दरमियान पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे और चारों ही तरफ प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफी चुस्त दुरुस्त थी। इस दरमियान इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर का जो नजारा था वो काफी चौंकाने वाला था। एक महिला उस वक्त जोर जोर से चिल्लाने लगी जब उन्हें अंदर जाने से पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। महिला श्रीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसकी शिकायत थी कि सीएसपी संचालक के द्वारा उनके रुपये निकाल लिए गए हैं। कई जगह फरियाद करने के बावजूद भी जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वे मुख्यमंत्री से शिकायत करने पूर्णिया इंदिरा गांधी स्टेडियम चल पड़ी, किंतु जब उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया तो महिला अपने पति और बच्ची के साथ जोर जोर से शोर मचाने लगी। इस दरमियान अचानक कोशी आलोक की नजर उस महिला पर पड़ी। महिला ने इस दरमियान जो कुछ बयां किया वो काफी दर्द देने वाला था। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी समाज सुधार की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज में फैले भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना महिला पेश कर रही थी। पूर्णिया लोक अदालत में केस किए, मगर वहाँ जो है ना मुंह भर दिया एडिशनल कलेक्टर को, मुंह भर दिया हुआ कलेक्टर गया। अरे दिक्कत क्या है, आप समझा पाइए? इसमें पढ़ लिखा हुआ क्या सब दिक्कत है? दिक्कत है यही सब। ऑपरेशन इसको ऑपरेशन हुआ था, भर्ती था, पैसा इसका जो है मोदी जी वाला 500 आया था, उससे 80 वाला ने उठा लिया। वो जब भर्ती है उसके सामने सदर में उस पैसा ना, आधार कार्ड भी लिंक भी नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, पैसा निकासी कर लिया। कैसे निकासी? क्या कर लिया? सीएसपी वाला कर लिया। सीएसपी वाला? हाँ। 5-6 लाख मेरा बैंक में घटोला किया, नोटबंदी पैसा इसी खाता पर बना लिया। क्या नाम है सीएसपी वाले का? समिता कुमारी, सरकारी टीचर है। टीचर है तो यहाँ तो अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, तो आपको उधर कहाँ जा रहे हैं? नहीं जाने के लिए दिया सर, उधर बोलता है इधर से जा, इधर बोलता है उधर से जाओ, किधर से जाएंगे हम? गुहार लेके आए, हमारा कोई बात नहीं सुनता है। जब यही जनता वोट नहीं देगा तो कुर्सी पे कैसे बैठेगा वो लोग? कैसे बैठेगा? जब उसका आता है समय तो जनता को पैसा देके मुंह बंद कर लेता है। अभी मेरा बात काहे नहीं सुनेगा? पूर्णिया जाएंगे दरखास्त देने के लिए, वहाँ मुंह भर देता है, जाओ कहाँ जाएंगे? गुहार लेके वहाँ उसको मुंह बंद कर दिया। तो मुख्यमंत्री से मिलना है? हाँ मिलना है, दरखास्त देना है हमको उसके पास, तो हमको दरखास्त देना। उधर से जाने नहीं दिया? नहीं जाना दिया, ना उधर से ना इधर। हम बोले दरखास्त मेरा पहुँचाइए तो दरखास्त खुद पहुँचाएगा। आपको नहीं जाने जाने दीजिएगा, मेरा दरखास्त जाने दीजिए। उधर बोलता है नहीं, खाली सीएम दीदी का सबका है, सीएम दीदी वोट देगा सिर्फ जीत जाएगा कि जनता भी उसमें हम लोग भी वोट देंगे तब वो जीतेगा। बोलिए सर, आप ही बोलिए, पूरा चेक कर ले हमको। हमको चेक करके जाने दीजिए, हम मिलना चाहते हैं। देख लीजिए चप्पल, जैसे हम लोग का भी बात ना सुनता वो लोग को भी बात नहीं सुनेंगे। वो लोग का सारा जनता सब पागल है, घूम दे दे के वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को मुंह बंद कर देता है। जब वोट मांगने का समय आता है अभी साला कोई ना आवाज उठाता है, कोई ना। हम बोलते हैं कलंक कुर्सी में दम नहीं है, किसी में दम नहीं है। मेरा बेटी के नाम से आया ना जन्म हुआ पहली बार, तो वो भी निकाल लिया, हम ब्लॉक से कागज निकाल लिया। तो आप लोग तो काफी परेशान लग रहे हैं। परेशान है, पूरा परेशान है। कितना जगह सरकारी पैसा मिला आपने? मेरा बेटी को मिला था कूपेशन वाला, वो भी निकाल लिया पैसा। लेकिन यहाँ पे जाने नहीं देता है। चप्पल का दिखा रहे थे? चप्पल नहीं दिखाएगा, वोट मांगने के लिए आता है तो कैसे बाप बाप करके आता है? अभी हम लोग को जाने नहीं देता है, यही चप्पल जो वोट मांगने के लिए आएगा उसको मारेंगे। अभी हमारा बात काहे ना सुनता है, मुख्यमंत्री काहे ना सुनता, कौन जी का मुख्यमंत्री? अभी सब जगह दारू गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट सब चलता है। बीच में बंद किया था, अभी भी देखिए दुकान आर में गुटखा सिगरेट दारू सब चलता है, कुछ नहीं बंद है, कुछ नहीं बंद है। दिन भर आज सड़के पर रहिएगा?
आज यहीं पे रहेंगे, दिन भर आज भूख हड़ताल कर देंगे आज। अरे तो मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे उधर। उड़ जाएंगे, इस बार उड़ जाएंगे, आप उसको कुर्सी पे बैठने लायक न छोड़ेंगे। आप अकेले से क्या होगा? अकेले से नहीं होगा, वही तो प्रॉब्लम है सर, हमसे क्या होगा, हम बोल के रह जाता और सबका मुँह बंद कर लेता है पैसा दे के लालच पे। लालच पे जहाँ देगा ना 5,000 का एक आदमी को सब वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा। पानी नहीं पिएगा? क्रोध भरा है लेकिन। अरे तो रोते का है, रोते का है। भारतीय था डॉक्टर विकास कुमार, अकाउंट पे निकाल लिया पैसा, आधार कार्ड लिंक नहीं था, पैसा कैसे निकासी हुआ? हाँ बैंक वाला निकाल लिया पैसा।